नमस्कार जी दोस्तों, मैं मोनू यादव और आप देख रहे हैं मोनू यादव आटा चक्की। तो भाइयों, आज काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि भाई आप ये बताइए कि आपकी चक्की के आरपीएम कितने हैं और मोटर के आरपीएम कितने हैं और आपकी पुली का साइज़ क्या है, मोटर की पुली का साइज़ क्या है, चक्की की पुली का साइज़ क्या है और पटे की दूरी कितनी है, आपकी चक्की की और मोटर के बीच की दूरी कितनी है। तो भाई साहब, ये सारे डाउट मैं आज क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, तो आज मुझे टाइम मिला है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि मोटर के आरपीएम कितने हैं, चक्की के आरपीएम कितने हैं और चक्की के मोटर की दूरी कितनी है, बेल्ट चलाते हैं पटा चलाते हैं वो उसके बारे में भी बताऊँगा मैं, सब कुछ इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो भाई, जो लोग चैनल पर पुराने हैं हमारे, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं आप, और आज ये सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ कि चक्की की, मोटर की और सब कुछ ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो अब चलते हैं चक्की की ओर। तो ये अपनी 24 इंची की चक्की है और इसमें नए पत्थर पड़ने वाले हैं, इसका पत्थर ख़त्म हो चुके हैं पूरे, और मैं ये इस दूरी की बात कर रहा हूँ चक्की की और मोटर के बीच की, चक्की के और मोटर के बीच की दूरी की बात करूँ तो चक्की के मोटर के बीच की दूरी 9 फुट है, यानी कि 9 फुट पुली से पुली की दूरी है, इस पुली से यहाँ से लेकर के और उस पुली के उस कोन तक 9 फुट की दूरी है, इस पुली के दूसरे कोन तक, यानी कि पट्टा जो लगता है वो हमारा 18 फुट का पट्टा इसमें लगता है। तो इसकी जो दूरी है वो 9 फुट है पुली से पुली की, और यहाँ से मोटर की, और जैसे मोटर की इस पत्ती से बात करेंगे हम इसकी चक्की की से, और मोटर की बॉडी तक बात करेंगे तो इसकी 7.5 फुट दूरी है, 7.5 इस पत्ती से लेकर के यहाँ से इस पैर से लेकर के और मोटर की इस बॉडी तक, और बाकी जो दूरी है वो 9 फुट है मोटर के यहाँ से इस कोने से लेकर के और उस कोने तक। तो मैं पटा चलाता हूँ और बात करते हैं पुली की, इनकी पुली का साइज क्या है। तो इसमें जो पुली लगी हुई है वो पुली 8 इंची की है, और ये इसमें 8 इंची की पुली लगी हुई है, और जो उसमें चक्की में जो पुली लगी हुई है वो 12 इंची की पुली है, ये 12 इंची की पुली है इसमें 8 12। तो इसके जो चक्कर हैं मोटर के वो, यानी कि आरपीएम, तो मोटर के आरपीएम 960 हैं इसके, और चक्की के आरपीएम हैं इस हिसाब से लगाया जाए 8 12 की पुली लगाने के बाद में, तो इसके चक्कर हैं 640, जबकि चक्कर अन्य चक्की के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं, और ज़्यादा चक्कर मैं चलाता हूँ क्योंकि मैं क्वालिटी के पत्थर चलाता हूँ और ज़्यादा काम निकालने की क्षमता रखता हूँ, क्योंकि हल्के चक्कर लगाने से क्या होता है, जब चक्कर कम होते हैं तो उसमें हवा कम बनती है, और जब ज़्यादा चक्कर होते हैं तो हवा पूरी फुल्ली हवा बनती है एकदम, गल्ला जब ज़्यादा चलता है तो हवा फुल्ली एकदम बरकरार चलती रहती है, और ज़्यादा जब चक्कर ज़्यादा होते हैं तो चक्की की जो आवाज़ होती है वो कुछ ज़्यादा होती है, अगर शहरी टाइप से होते हैं वो कम चक्कर पर चलाएं क्योंकि उसमें आवाज़ जो होती है वो कम चाहिए तो कम चक्कर चलाने पड़ते हैं, अगर देहात के एरिया से अपनी चक्की के आसपास कोई ऑब्जेक्शन उठाने वाला नहीं है तो आप ज़्यादा चक्कर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चक्कर से आवाज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यही रीज़न है उसका, और हवा भी पूरी मिलती है, एकदम आटा भी ठंडा आता है जब चक्कर पूरे होते हैं, और चक्कर कम रहते हैं तो आटा भी गर्म आता है और हवा भी कम मिलती है, आटे की घटत भी ज़्यादा होती है। तो ये अपनी 24 इंची की चक्की है और अपनी 960 आरपीएम की मोटर है इसमें, और 8 इंची की ये पुली है मोटर की, और पट्टा है ये अपना, और उस पर ये पुली है वो 12 इंची की है, और मोटर ये BTH कंपनी की है ओल्ड मॉडल, और काफ़ी दिनों से यूज कर रहा हूँ मैं, एक ये मोटर है, एक हमारी अंदर लगी हुई है दूसरी चक्की पर, वो भी इसी सेम यही मोटर है, और एक इसी में की 7.5 की मोटर है, तो ये बहुत सुपर मोटर है, एकदम अच्छी चलती हैं, क्योंकि ये ओल्ड मोटर हैं, जो अभी की मोटर आ रही हैं वो अगर आप 10 HP की लेंगे तो उसमें जो है वेट बहुत हल्का होता है, इसमें वेट करीबन 1 क्विंटल 53 किलो करीब वेट है इसका,
और इसका ये रोटर है वो बहुत भारी होता है, रोटर भारी की वजह से अपना पूरा लोड लेती है ये। और अभी की जो मोटर आ रही है उनमें रोटर जो होता है वो पतला होता है, उसकी वजह से पूरा लोड नहीं ले पाती है। ओल्ड मोटर जो होती हैं, ओल्ड मोटर जो होती हैं वो करंट को ज़्यादा लेकर के चलती हैं, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर, क्योंकि मैंने नई भी मोटर लगाई है और जो अपनी ओल्ड वाली है ये भी लगाई है, तो उसमें अगर जो नई मॉडल मोटर लगाई है मैंने न्यू वाली, तो उसने एक घंटे में करीबन 6.5 यूनिट खपत की, और ये जब पुरानी वाली लगाई गई इसमें उस पर तो इसने 7 यूनिट की खपत की। लोड बिल्कुल बराबर रहा है, एम्पियर बिल्कुल बराबर रहे, फिर भी आधा यूनिट ज़्यादा लेकर के चली है, क्योंकि उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोड ज़्यादा लेकर चल, इतना नहीं, अगर उसने आधा एम्पियर इसने खाया है तो कम से कम 1 एम्पियर का ज़्यादा काम 2 एम्पियर का किया है इसने, ये मुझे देखने को मिला उसमें। तो ये अपनी लाइन की, उसके बाद में मैंने लगा रखा है यहाँ पर एडजस्ट फैन, और एडजस्ट फैन जब दोनों जब चलते हैं मोटर और चक्की, तो दोनों की गर्मी पैदा होती है, तो चक्की 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तो चलती चलती है, तो उसमें क्या है ये दोनों की जब गर्मी पैदा होती है, गर्मी का समय है तो दोनों की गर्मी को निकाल करके बाहर कर देता है, क्योंकि बाहर फील्ड है एकदम ब्लू खुला हुआ है, तो यहाँ से गर्मी, और ये अपना कूलर लगा हुआ है गर्मियों के लिए, बाहर से ठंडी हवा देता है ये, और ये अपना आटा, और अपना ये पिसा हुआ आटा लगा हुआ है सारा का सारा। आटे की क्वालिटी तो सही रखते हैं हम, अच्छी होती है आटा की क्वालिटी, मैं आपको दिखा दूं। मेरे हिसाब से सही है आटा की क्वालिटी, शायद आपके यहाँ कुछ ज़्यादा बारीक होता होगा, मैंने देखा है दुकान से कि कहीं पर तो मेरे से तो काफ़ी मोटा चलता है, और जो शहरी टाइप में होते हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा बारीक चाहिए तो है, और जहाँ देहाती एरिया होती है वहाँ थोड़ा मोटा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आटा की हम क्वालिटी फिर भी बेस्ट बनाते हैं, और अभी हमारे पत्थर निकलने वाले हैं, मैं पत्थर लेने जाऊंगा 2-1 दिन में, तो उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, और मेरे पत्थर ख़त्म होने पे आ चुके हैं, तो मैं जब नए पत्थर लेके लेने जाऊंगा तो वीडियो बनाऊंगा पूरी, और डालने की मैंने वीडियो बना दी है और भी बनाऊंगा, और जब तक हूँ बनाता रहूँगा आपको बताता रहूँगा, क्योंकि आप इतना प्यार और इतना सपोर्ट देते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको नई से नई जानकारी से जोड़ूं मैं। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, मैंने सब कुछ बता दिया इस वीडियो के माध्यम से, और अगर किसी भाई को मेरे से बात करनी है या कुछ करना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में अपना नंबर छोड़ सकते हैं, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको कॉल अवश्य करूँगा, आप मुझे कमेंट में नंबर दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि बात नहीं करते, वो नहीं करते, वो पहले नंबर तो छोड़िए भाई, आप कमेंट में नंबर छोड़ दीजिए फिर मैं कॉल लगाऊंगा इधर से, क्योंकि मैं नंबर छोड़ दूंगा तो मैं कॉल नहीं उठा पाऊंगा, फिर आप लोग कहते हैं कि भाई बात नहीं करते, तो मेरे पास हर समय टाइम थोड़ी ना होता है, आपकी हर समय कॉल आती हैं, तो आप नंबर छोड़ दीजिए, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं सारे आपके नंबर ट्राई करूंगा, आखिरकार आप नंबर छोड़िए फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो वीडियो ही समाप्त करता हूं, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तो वीडियो करते हैं ये सब। जय हिंद, जय भारत।